हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्राफ्टिंग मास्टर। नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ बनाऊंगी बेकार पड़ी पुरानी चीज़ों से जो हम घर में अक्सर हमारे घर में होती है और हम फेंक देते हैं। जैसे ये टूटा हुआ ग्लास, एक कार्डबोर्ड, और पीछे भी मैंने कुछ कार्डबोर्ड्स दिखाए हैं, उनसे हम कैसे बेकार चीज़ों को यूज़ करके घर के लिए कुछ नया बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कार्डबोर्ड था, इसको पहले जो ये मैंने लाइन लगा ली है ना, इसको इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसको कट करूँगी। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद इसके ऊपर एक वॉलपेपर या फिर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है उसको लेके इसके ऊपर ऊपर और अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें अपने सारे सैंडल्स, चप्पल्स जो डेली वेयर के होते हैं वो मैंने इसमें डाल के रख दिए ताकि वो इजीली हैंडी हो जाए। और मैंने इसको अपनी अलमीरा के नीचे ऐसे प्लेस कर दिया ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकूँ, क्योंकि शू रैक्स में जाके निकालना मुश्किल होता है, रूम में पड़े हो तो बिल्कुल हैंडी हो जाता है इसको यूज़ करना। तो इस तरह से मैंने इसमें अपने सारे सैंडल्स और चप्पल्स को प्लेस कर दिया। लेकिन देखिए, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी मैं इसे निकाल रही थी, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो वो प्रॉब्लम मैंने हल की इसके आगे हैंडल लगा के। मैंने क्या किया, एक हैंडल लिया और कुछ पेचेस लिए, उसको इसके अंदर फिक्स कर दिया, फिर एक कार्डबोर्ड लिया और डबल टेप से इसके अंदर लगा दिया। लगा तो दिया, लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको निकालना चाहा और ये हैंडल मेरे हाथ में आ गया। देखिए, ओ वेरी बैड। अब मैं आगे बताती हूँ ये कैसे मैंने ठीक किया। लेकिन इससे पहले अब देखिए, मैंने एक और कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उसको भी शू बॉक्स था जिसमें शू आते वो लिया और इसको अच्छे से वही सेम कलर के पेपर से रैप कर दिया। और इसको भी मैं अलमीरा के अंदर रखने के लिए यूज़ करूँगी, अलमीरा के नीचे रखने के लिए यूज़ करूँगी। तो देखिए, अब मैंने इसको ठीक कैसे किया, जो हैंडल वो निकल गया था, तो मैंने क्या किया, हैंडल को ठीक करने के लिए ये जो पेचेस होते हैं ना, पेचेस के ऊपर एक येलो कलर की टेप आती है जिसको हम यूज़ करते हैं जब टैप्स के बीच में यूज़ होती है, उस टेप को लेकर के उसके पेज के ऊपर अच्छे से लगा के फिर इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया। सिमिलरली दोनों साइड से हम इसको फिक्स कर देंगे, वही टेप लगा करके अच्छे से दोनों साइड से फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद हुआ क्या, अब ये हैंडल स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मैं चाहे इसको जैसे मर्जी निकालूँ, ये हैंडल ही निकलता, ईज़िली अंदर जाता और ईज़िली ये बाहर आ जाता है। पहले क्या होता था, जब मैं खींचती थी तो वो हैंडल ही मेरे हाथ में आ जाता था। अब देखिए, मैंने ईज़िली इसको अंदर डाला और ईज़िली बाहर आ रहा है। और देखिए, पुराने वेस्ट पड़े कार्डबोर्ड से कितना अच्छा एक यूज़फुल सा चीज़ बन के तैयार है, जिसे हम शू बॉक्स बोल सकते हैं ना, कितना अच्छा यूज़फुल ये शू बॉक्स है। और ये वो मैंने जो सिंपल शू बॉक्स के ऊपर गिफ्ट रैपिंग पेपर को पेस्ट कर दिया था, ये वो है। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल एक चीज़ बन गई है। और उसके बाद देखिए, ये एक मेरे पास बहुत सुंदर ग्लास का वास था जो टूट गया था, ये बहुत अच्छा था, मेरा फेंकने को इसको बिल्कुल भी मन नहीं था। फ्लेक्स ईजी एक ग्लू है, उसके साथ मैंने इसको फिक्स किया और देखिए फिक्स हो गया, मैं बहुत ही खुश हुई। तो अब मैं इसको ऐसे यूज़ तो नहीं कर सकती थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक टेबल कवर पड़ा था पुराना, वो जो पुराने टेबल कवर्स आते थे ना चिकन वाले, तो वो था, उसके ऊपर मैंने सेम यही वाली ग्लू यूज़ की और उस टेबल कवर के पीस को उसका ही कट करके इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया अच्छे से। देखिए, ये पेस्ट हो गया। अब ये देखिए कितना सुंदर वास तैयार हो गया। अब इसको देखिए, मैंने इसमें आगे क्या किया, मैंने इसके अंदर कैंडल लेके, जो जलने वाली कैंडल होती है ऑटोमेटिक कैंडल्स, उसको लेके इसके अंदर लगाया और उसके बाद वाओ ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट दे रहा था। देखिए, लाइट ऑफ करके कितना सुंदर इफ़ेक्ट देता है, अभी आप देखिएगा लाइट ऑफ करने के बाद कितना ब्यूटीफुल लगता है ये, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा एक वॉस, और आप इसे लैम्प शेड भी बोल सकते हैं, तैयार हो गया। किससे, पुरानी टूटी हुई आइटम से जिसे अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हम इन्हीं चीज़ों से अपने घर को सजा सकते हैं, फेंकना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को। अभी एक और चीज़ जो हम अक्सर फेंक देते हैं, इसमें क्या आया था, सिया राम का जो शूटिंग बॉक्स होता है ना, वो था, इसको हम अक्सर फेंक देते हैं। मैंने क्या किया, इस शूटिंग बॉक्स को और ये एल्युमिनियम फॉयल के अंदर जो रोल होता है वो था, इसको पहले इसके साइज़ का इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया, अच्छे से कट किया। कट करना इसको बहुत मुश्किल था, बहुत मेहनत लगी कट करने में, तो कटर की हेल्प से मैंने इसको कट कर लिया। ध्यान से कट करना, कहीं आपका आप अपना हाथ ही मत काट लीजिएगा। ये कट करने के बाद इसको इसके अंदर फिक्स करके देखा कि ये इजीली फिक्स हो रहा था, हाँ तो बिल्कुल अच्छे से हो रहा था। इसी तरह से मेरे पास एक और भी था, तो मैंने दोनों को
एक जैसा कट करके इसके अंदर फिक्स किया। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक क्लोज़र है कि ये बॉक्स जो है ना वो अपने आप बंद हो जाता है, इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है। दो लिए, उसके बाद वॉलपेपर, किसी कोई भी वॉलपेपर ले लीजिए वो, या फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर ले लीजिए। गिफ्ट रैपिंग पेपर को इसके ऊपर अच्छे से रोल लगा करके पेस्ट कर लिया। उसके बाद इन रोल्स को मैंने अपने बॉक्स के अंदर लगा दिया। बॉक्स के अंदर लगाने के बाद देखिए कैसे मैं पेस्ट कर रही हूँ, पेस्ट किया और कट कर लिया। वन मिनट रुकिए। और बैक साइड और चारों तरफ ही बॉक्स के मैंने सेम पेपर के साथ उस पर पेस्ट किया। और इसके ऊपर मैंने इसके अंदर अपनी बैंगल्स डाल के इसको एक बैंगल ऑर्गेनाइज़र बना दिया। इससे मेरी बैंगल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और मैं अच्छे से जब भी जाऊँ इनको यूज़ कर सकती हूँ, इस मैग्नेटिक क्लोज़र वाली बॉक्स को यूज़ करके। और ये बैंगल्स इसके अंदर ईजीली ऑर्गेनाइज हो गई हैं, जब भी चाहें इससे हम बैंगल्स निकाल सकते हैं और इससे बैंगल्स ईजिली मिल जाएंगी। और बहुत ही सुंदर ये मेरे पास 3 DIYs रेडी हो गए विद द हेल्प ऑफ दोज मटीरियल्स विच वी थ्रो यूजली, जो वो मटीरियल जिसको हम यूजली फेंक देते हैं, जो हमें वेस्ट लगते हैं। सो बहुत अच्छे 3 ब्यूटीफुल DIYs। सो और भी ऐसी यूज़फुल आइडियाज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।